दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करोल बाग में स्थित अर्पित पैलेस होटल मामले पर बयान देते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है। कौन मार रहा है? अरे भैया बाइक सही करो, बाइक इसके ऊपर हम मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं। न्यूज़लेशन भाई देख फ्रेम में तो डेथ भी पता कर रही हूँ, कोशिश की जाएगी और इसमें जो जो वायलेशंस थे इस होटल के वो सारे भी इंक्वायरी में निकल के आएंगे। जितने जो जो लोगों की मौत हुई है उनको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये कर क्या रहे हो यार? दूसरा अभी बलगोवा के जो हमारे से बात कर और इस किस्म के होटल्स चल रहे हैं जो इस तरह की वायलेशंस कर रहे हैं, तो उनकी भी सबकी ये रिपोर्ट आ जाए। उसके बाद मेरे में चलने वाले पुलिस भाई मेरे कैमरे को मारो, वायलेशंस आईडेंटिफाई करने के लिए इंक्वायरी कराई जाए। सर एनओसी मिली हुई थी सर, क्या सर ये भी बहुत बड़ा, दमकल विभाग ने भी बोला है कि होटल की पूरी लापरवाही तो सामने आई है। पता कराते हैं, इंक्वायरी में पता कराते हैं कि अगर इनके पास बिल्डिंग लॉज की वायलेशन है तो इंक्वायरी कैसे। सर इस होटल की नीलामी की भी सूचना थी कि कुछ समय पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से इसकी नीलामी के भी प्रोसीजर्स इनिशिएट किए गए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हादसा दिखाया जा रहा है। अभी तक कोई जानकारी मिली है कि किस तरह का वायलेशन किया गया था? जांच की बात हुई आपकी? अभी ऑफिसर से मैं बात कर रहा था, वो लोग बता रहे हैं कि वायलेशन हो सकती हैं, इनके पास होटल चलाने का लाइसेंस था कि नहीं था इस पर क्वेश्चन मार्क है। अरे यार होटल चलाने का लाइसेंस था कि नहीं था इस पर, सारी चीज़ें इंक्वायरी के बाद पता चलेगी। बताते चले आपको कि इस होटल में अवैध रेस्टोरेंट और बार चलने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं इस होटल मामले ने साल 1986 में दक्षिणी दिल्ली में हुए आग हादसे और साल 1997 में हुए उपहार ट्रेजेडी कांड की याद ताजा कर दी है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।